हेलो गाइस, हम आज अकेले लेकर आ गए ये स्मार्ट वॉच। इस वीडियो में स्मार्ट वॉच की फुल टेस्टिंग करने वाले, इसकी कितनी प्राइस है, इतने कितने फीचर्स है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसके फीचर्स देख लीजिए। टीवी बॉक्स इज द न्यूएस्ट जनरेशन ऑफ मल्टीमीडिया प्ले एंड होम मल्टीमीडिया गेटवे विच इज द बेस्ट वे फॉर यू टू एंजॉय नेटवर्क लाइफ। हम आगे नहीं पढ़ रहे, आप पढ़ लीजिएगा। इसके भी इसके साइड में ये रखा है 4K UCD, मतलब कि UHD से नीचे क्वालिटी का है, पर 4K वीडियो चलता है इसमें। टीवी बॉक्स 4K, इधर भी ऐसा लिखा है। आगे देखिए, इधर नजीक आइए, ये देखिए एंड्रॉयड 10.1 4+32 GB का रैम दिया गया है इसमें, मतलब कि ये पूरा का पूरा फ़ोन ही है। आप मानो या ना मानो, ये पूरा का पूरा फ़ोन ही है। एंड्रॉयड टीवी बॉक्स मल्टीमीडिया गेटवे इंटरनेट टीवी। CPU 64-bit CPU 4 कोर है और 4K UCD, ये तो आपको पता ही। तो चलें खोलते हैं। तो पहले हमें दिख जाता है ये इसका मेन स्मार्ट बॉक्स, निकालते हैं धीरे से। ये देखिए, इसकी क्वालिटी हमें मैकबुक जैसी तो नहीं लग रही, पर इसकी इसकी साइज़ की बात की जाए तो हमको पूरा ये मैकबुक जैसी फीलिंग देता है। पर ये मैकबुक तो है ही नहीं, क्योंकि इतना सस्ता हो मैकबुक तो मिल ही नहीं सकता। आगे खोलते हैं, इधर में से निकलता है ये चार्जर, ये रिमोट है इसका। इसकी क्वालिटी देखकर आप इसकी प्राइस का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये HDMI का वायर है, पर इतना लंबा नहीं है, चल जाएगा। इसका रिमोट, इसका चार्जर, इसके लिए अलग से पिन हमें लेना ही पड़ेगा दूसरा। और इसका ये मैनुअल है, गेटिंग स्टार्ट मैनुअल आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको पूरा का पूरा बता देता हूँ। एंड्रॉयड टीवी यूज़र मैनुअल पीछे से ये कुछ ऐसा है, पर हम आपको फुल इसकी टीवी में टेस्टिंग करके बताने ही वाले, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं और आपको बताते हैं। ये गाइस HDMI केबल है, 2 पोर्ट वाला। अब हम चार्जिंग देखेंगे। ये चार्जिंग 5 वोल्ट है, 2 एम्पियर का। और ये पिन जो है वो यहाँ पे सपोर्ट नहीं होगी हमारे इंडिया के प्लग में, तो हम इसके लिए ये एक इसका एडाप्टर यूज़ करेंगे। तो चलो, अब पहले हम इसको ऐसे डालेंगे। क्यों अंदर नहीं जा रहा है? आप चला गया, चलो। तो पहले इसको प्लग इन करते हैं। ये LCD का है बाजू में, अभी ऑन मत करो, पहले इसमें डाल दो। इसको कहाँ डालेंगे? यहाँ। और आपको मैं एक दूसरे केबल भी दिखा दूँ, ये AV का है। देखिए आप, दिख रहा है आपको? हाँ, ये AV का जो ऑक्स पिन जैसा होता है, और जिसमें से और 3 पिन निकलते हैं जो ऑडियो वीडियो के, वो वाइट ग्रीन और येलो होते हैं ना, जो TV में भी सपोर्ट करते हैं। और बाजू में USB है, 2 मेमोरी कार्ड स्लॉट है, और इधर में 3 USB, और एक वो बड़ा वाला मेमोरी कार्ड आता है ना जो कैमरे में जाता है, उसका नाम मुझे पता नहीं है। MMC, ये यहाँ लिखा है, और यहाँ पे ऐसा प्लेन है। तो चलिए पहले इसको ऑन कर देते हैं। हाँ, तो गाइस हम ये 5 वोल्ट का एडेप्टर का पिन डाल दिया है। अब इसमें हम HDMI डालेंगे, जो ये है। इसको HDMI में ऐसे डाल देते हैं। अब यही HDMI हम TV में डालेंगे, जो कि है HDMI 3 में, 3 है, 3 में डाल देंगे। चलो, अब हमारा सेटअप हो चुका है रेडी। अभी एक काम बाकी है, ये रिमोट का, इसमें हम लोग सेल डालेंगे, जो पतले वाले आते हैं वही। हमने डाल दिए हैं सेल इसमें भी। अब हम, चलो वो चलेगा अभी, वो रहने दो, चलो चलो, ना ना वो रहने दो, चलो ऐसे ही करेंगे, नया है ना, चलो नया। अच्छा, अब ऑन करो, चलो टीम नजीक तो लाए।
अरे ऑन करो ना तू। आप ये देखिए ऑन हो गया है, ब्लू लाइट आ रहा है मतलब ऑन है, टीवी भी ऑन हो गया है। अब इसमें कुछ लिखा हुआ भी है कि इसमें मैं भी आ गया। ये भी देर लगेगी। तो गाइस हम अब HDMI 3 में ऑन करेंगे। हमारा टीवी भी ऑलरेडी स्मार्ट है, फिर भी हम टेस्टिंग के लिए यहाँ पे कनेक्ट किया है। आप देख सकते हैं आ गई है इसकी स्क्रीन। अब इसको बड़ी कीजिए। तो गाइस ये है पूरा डिस्प्ले जो स्मार्ट बॉक्स में दिया गया है। माय ऐप्स का ऑप्शन है, लोकल है, म्यूज़िक है, ऑनलाइन वीडियो देखने के लिए है। तो हम पहले सीधा जाएंगे सेटिंग्स में, वहां जाके हम नेटवर्क सेट करेंगे। हेलो गाइस, जो तो आपका हमारा इंटरनेट जो 12 5G है वो कनेक्टेड है। हमने पहले वो कनेक्ट कर दिया था पासवर्ड देके। आपको क्लिक करके पासवर्ड देना होता है, वो वेरी सिंपल प्रोसेस है। चलिए अब हम आगे का करते हैं। अब हम ऐप्स में जाएंगे। ऐप्स माय ऐप्स में है ऑप्शंस। अब यहाँ पे पहले हम YouTube चालू करेंगे। ये जहाँ सभी ऐप दी गई है प्ले स्टोर, जहाँ से आप पूरी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा पूरा YouTube। वाई कांट लो, ओके हो गया। ये कभी कभार नेटवर्क का इश्यू आ सकता है। अब नो इशू, एट एन आवर्स कम्प्लीट हो गया है। अभी वो नेटवर्क का इश्यू था इसीलिए ऐसा हो रहा था। ओपन नेटवर्क सोर्स, बस नाउ कनेक्ट कुंदन। वो ना वो रहने दो, वो हमारा पासवर्ड नहीं है हमारा, इसको फॉरगेट कर दो और फिर से कनेक्ट करो। कर दिए, अब फिर से कनेक्ट करो। ऐसा करो, ट्रिपल एट बार एक दबाओ, आठ बार एक। हम पासवर्ड सिंपल ही रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट दबाओ, नेक्स्ट वहीं से होगा। क्या किया तुमने? क्या हो रहा है? ऊपर जाओ, ऐसा करो, ऊपर जाने का ऑप्शन है कनेक्ट वाला, कैंसिल वाला कोई नहीं। ऐसा करो, बैक कर दो, बैक दबाओ, रिटर्न, बस अब कनेक्ट में दबाओ, हो गया ना। बाय नो इंटरनेट, मैंने तो नेट ऑन कर रखा है। अब हो गया, अब लगता है आ जाएगा। चलो अब बैक जाओ और ट्राई अगेन। तो यूट्यूब फिर से चालू करेंगे, वो प्रॉब्लम आया था। अब ऑन द यूट्यूब, लगता है आ जाएगा अभी तो। फाइनली गाइस आ गया लगता है अभी, और आ गया। चलो ये देखिए, ये पूरा यूट्यूब का